नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। फिर से हम लोग आ गए हैं एक और पंचायत में, पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया जी से। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड के तुलसीपुर पंचायत में। जो शख्स जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए, इनका नाम उमेश कुमार यादव है, तुलसीपुर पंचायत के ये मुखिया हैं। तो आइए रुक करते हैं, इन्होंने अपने पंचायत में बीते वर्ष में सिर्फ इस टर्म की हम बात करेंगे, क्या क्या कार्य इन्होंने किया विकास का और क्या दिक्कत थोड़ी इस पंचायत में इनको विकास करने में, सारी बात की जानकारी आई लेते हैं। तो रुक करते हैं उमेश कुमार यादव जी की ओर जानते हैं। पहले तो मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मीडिया प्रभारी को एवं मैं तमाम तुलसीपुर जनता वासी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि दोबारा मुझे मुखिया पद पर चुन करके भेजा गया है। इसलिए मैं तुलसीपुर की सारी जनता को हार्दिक अभिनंदन नंदन वंदन करता हूँ जी। धन्यवाद मुखिया जी। बात करते हैं विकास की और शुरुआत करेंगे नल जल योजना से। नल जल योजना की कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? नल जल योजना की स्थिति मिला जुला करके ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा। नहीं, आठ हो PhD के द्वारा है और पाँच हो PRDA के द्वारा है। अच्छा, टोटल कितने वार्ड है मुखिया जी? टोटल 14 वार्ड है मेरे पंचायत में। और अच्छा, सब सुचारू रूप से अभी चल रहा है? जी हाँ, अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है अभी फिलहाल? जी नहीं। जी नहीं। और भी योजनाओं की हम बात करें, जैसे सिस्टम हो गए, पंद्रहवीं हो गए, मनरेगा हो गए, इन सब के तहत आपके पंचायत में कार्य हुआ कि नहीं हुआ? मनरेगा से सिर्फ यहाँ वृक्षारोपण अधिकतर मैंने कि लगाया जाता है जी नहीं। और यहाँ पोखर वगैरह जल संचय के लिए जमीन तो है नहीं। नहीं नहीं, जो जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिसके चलते पोखर वगैरह मैंने कि यहाँ नहीं बनता है। अच्छा। सिर्फ वृक्षारोपण कम से कम 5000-4000 पौधा मैंने कि पौधा लगाया जाता है। मनरेगा से ये कार्य हुआ जी? और 15 नहीं नहीं, मनरेगा से वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है जी, हो रहा है जी। अच्छा। अब यो हो रहा है, पूर्व में भी होता है, प्रत्येक मैंने कि साल लगभग 5000-6000 पौधा लगाया जाता है यहाँ। अच्छा, पंद्रहवीं और सिस्टम से क्या हो रहा है मुखिया जी, और क्या किया पूर्व में आपने? इस पंचवर्षीय योजना में पंद्रहवीं से 6-7 वो रोड बनाया है जी। और अभी वर्तमान कुआं 5-6 बना है, अभी तत्काल काम चल रहा है नाला का जी। नहीं नहीं, यही काम चल रहा है पंद्रहवीं से। सिस्टम से जहाँ तक रिपेयरिंग हुआ था नहीं नहीं, और पैसा कम था और 3-4 रोड मैंने कि नया मिट्टी ट्रांसोलिंग और PCC मैंने भी हुआ। बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? यहाँ तो स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर आते हैं और NM लोग आती है। लगभग सब यहाँ पे। आपके पंचायत में जितने स्कूल हैं उन सब की स्थिति कैसी है अभी? स्कूल का भी स्थिति मतलब अभी ठीक है। अभी ठीक है। टीचर वगैरह टाइम टू टाइम आते हैं? जी हाँ। टीचर की कमी भी आपके पंचायत में? हाँ, कुछ टीचर की कमी है। इधर इस माह में, अगले माह में 2-4 टीचर इधर उधर ट्रांसफर करा लिए हैं, उसके बदले में टीचर आए नए हैं। कितने क्लास तक पढ़ाई होती है? वैसे तो यहाँ 5 है, 6 है मैंने कि प्राथमिक 8 तक में 6 स्कूल, एक है आदर्श उच्च विद्यालय तुलसीपुर हाई स्कूल है जो कि इंटर में वो इंटरमीडिएट है। अच्छा, आपकी अभी पंचायत की मुख्य समस्या क्या है? मेरे पंचायत का मुख्य समस्या जल जमाव ही है। जल जमा मेन मुख्य समस्या कह सकते हैं उसको? मुख्य समस्या ही कह सकते हैं। अच्छा। उसको अभी सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे अपने पंचायत के विषय में? हमारे पंचायत में ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ होनी ही चाहिए। सरकार से हम पंचायत की तरफ से मांग यही रखेंगे कि यहाँ पंचायत सरकार भवन जल्द से जल्द बनवाया जाए। अच्छा। नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं पंचायत सरकार भवन है, नहीं पंचायत भवन है, ये सब जो चल रहा है सामुदायिक भवन में चल रहा है। नहीं नहीं, और जहाँ भी यहाँ तुलसीपुर में है 2-4 सामुदायिक भवन ही है, उपकेंद्र भी जो चल रहा है वो सामुदायिक भवन में ही चल रहा है। अच्छा। नहीं नहीं, तो जो ही काम हो रहा है पंचायत में उस सामुदायिक भवन छोटा छोटा जो बना है उसी में चल रहा है। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे,
सरकार की रणनीति से आप खुश हैं? जैसे मुखिया का कार्यकाल जो पहले था 2021 टर्म से, जो पहले था मुखिया को स्वतंत्र छोड़ा गया था पंचायत में काम करने के लिए, और इस बार 2021 के टर्म में कुछ शिकंजा कसा गया है मुखिया लोग पे कि ठीक से काम नहीं कर पा रहे पंचायत में, क्या ये सही है या गलत? ये सरकार का नीति हमको ठीक नहीं बुझा रहा है, क्योंकि ये जो फंड भी जो देता है तो एक रंग फंड लगा देता है, टाइट एंड टाइट। नहीं नहीं, हर पंचायत का भौगोलिक स्थिति जो है अलग अलग है। नहीं नहीं, और मेरे पंचायत में ये टाइट एंड टाइट जो है, अब मान लीजिए टाइट से पैसा है 30-30 करके दिया है कि 30 जल संचय, 30 मान लीजिए कि नाला वगैरह में, तो अब मान लीजिए कि यहाँ भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि पानी बहाव के लिए, पानी रख रखाव के लिए नाली बना करके जो ले जाएंगे, अधिक राशि चाहिए, तो अधिक राशि चाहिए और जमीन चाहिए, गड्ढा चाहिए जहाँ के हम पानी उसमें नाली को ले जा करके पहुँचावा, जो जमीन उपलब्ध नहीं है। और जल संचय, छठ घाट वगैरह, ये हमारा गांव जो है इसका भौगोलिक स्थिति 1 किलोमीटर लंबा चौड़ों में ही 9,000-9,500 वोटर रहता है जी। तो यहाँ हमारा वो जल संचय कहाँ होगा, घर तोड़ करके तो नहीं होगा जी। तो यह जो सरकार का नीति है कि आप 40 रोड में खर्चा कीजिए, 30 इसमें खर्चा नाला में कीजिए, 30 जल संचय में कीजिए, यानी उनका जो पॉलिसी है अच्छा, वह हम आम सभा को, हम लोगों के आम सभा को फेल करता है। नहीं, आप चाहते हैं कि उनकी ओर से गाइडलाइन ना आए, गाइडलाइन आवे और आम सभा को प्राथमिकता दे। अच्छा। नहीं नहीं, कि पंचायती राज में हर पंचायत को आम सभा में जो जरूरत है आम सभा से पारित करके वो काम होना चाहिए, क्योंकि हर एक पंचायत की अलग अलग जरूरत है, अलग अलग। सरकार तो पंचायत घूमने नहीं आ रही है, हाँ। मुखिया गली गली घूमती है, मुखिया जानती है जरूरत क्या है पंचायत की, हर पंचायत की जरूरत अलग 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 है। नहीं नहीं, यहाँ गाँव का जब पंचायत आम सभा जब होता है तो वो लोग जानता है कि हमको क्या जरूरी पंचायत में है। अब तो सरकार डायरेक्शन दे देता है कि हमको चाहिए मने कि जल संचय, छठ घाट बनाइए, मुर्दा घाट बनाइए। तो तुलसीपुर ऐसा एक गांव है जहाँ की 1 किलोमीटर में ही इतना सारी जनता है जी। अब सरकार का दिशा निर्देश के अनुकूल अगर करते हैं तो हमारा फंड लौट रहा है, बच रहा है, खर्च नहीं हो पा रहा, यही समस्या। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उमेश कुमार यादव जी, तुलसीपुर पंचायत के मुखिया हैं। सारी बात बताई इन्होंने पंचायत के विषय में। इन्होंने कहा साफ तौर पे कि सरकार की कुछ कमियां हैं जो कि सरकार को ठीक करनी चाहिए। पंचायती राज में पूरे बिहार की इन्होंने बात की कि मुखिया को स्वतंत्र छोड़ा जाए, ऐसा इन्होंने कहा पंचायत में, ताकि पंचायत का अच्छे तरीके से विकास हो पाएगा। और कई तरह की समस्याएं इन्होंने कराई है पंचायत के विषय में, क्या विकास स्तर इस पंचायत का इन्होंने बताया और क्या क्या विकास का काम इन्होंने किया है पूर्व में, ये भी इन्होंने बताया। अब देखते हैं सरकार इनकी आवाज़ कब तक सुन पाती है और कहां तक सुन पाती है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और मुखिया जी को लेके, एक और मुखिया जी की बात करने के लिए, एक और मुखिया जी के पंचायत में और पंचायत के विकास की बात करने के लिए। देखते हैं हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क, मैं आपके साथ निशांत कुमार, पटना।